हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, थैंक यू सो मच इतनी सारी विशेस देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं आप लोगों के जब भी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मेरा दिल भर आता है। क्योंकि देखो, मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे पास नहीं है। जो मैं एक्सपीरियंस करती चलती हूँ लाइफ में, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती चलती हूँ। इवन मेरे बहुत सारे रेमेडी वीडियो हैं, वही सारे रेमेडी वीडियो हैं जो मैंने घर में किए हैं, या हमारे बाऊजी हैं, या हमारे मम्मी पापा जो जिस भी चीज़ से जूझ रहे हैं, डॉक्टर उन्हें जो प्रिकॉशन बताता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के दौरान, या जिससे उन्हें फ़ायदा पहुँचता है, मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। और उसमें से भी कुछ आप लोगों के काम आ जाता है, ये जान के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। और मुझे एक प्रॉब्लम के लिए कई सारे स्टूडेंट्स हैं, शायद उनका एक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है कि उनको नज़ला टाइप का जुकाम होता है। नज़ला मींस, मैं यही समझती हूँ कि जो ये गर्म वाला मौसम होता है, ठंडा गर्म इस तरह का, जैसे ही बॉडी हीट पाती है तो आपको लगातार ना नाक बंद होने लगती है, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है, बार बार आपको नक्सीर भी होता है, कई लोगों को नक्सीर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। प्लस हर समय आपको लगता है कि मेरी नाक बंद है और नाक से कुछ पानी आ रहा है, तो आप बार बार सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुझे ये मालूम है। और उसकी रेमेडी किसी ने पूछी है, कोई स्टूडेंट है, तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे समहाउ वो प्रॉब्लम उत्कर्ष में भी नज़र आती है। जब ये स्कूल से आता है उस समय 3:15 बज रहे होते हैं और ये उस टाइम पे बहुत परेशान, बहुत बेचैन हो जाता है। फिर धीरे धीरे इसकी बॉडी रिलैक्स करती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है इसको कपड़े वपड़े बदल के थोड़ा पंखे की हवा में, तो धीरे धीरे इसको ठीक लगने लगता है। लेकिन जहाँ ये फिर थोड़ा सा कूदा फांदी गेम्स खेल लेता है, ढिशुम पसीने से भर जाता है बॉडी में, फिर वापस से हीट आता है, तो इसे फिर से वो सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो अभी उसकी रेमेडी मैं कर रही हूँ, अगर इसे आराम आ जाता है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए, मुझे भी ये अनिद्रा की प्रॉब्लम है। अनिद्रा मीन्स, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई टेंशन है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती हो, या कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है जिसके कारण मेरी रातों की नींद खो गई है, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है। समर में खासकर मेरे साथ ये चीज़ होती है कि आस पड़ोस में लोग भाई 1-1:30 बजे तक जागते हैं, हम लोग जल्दी सोने वाले हैं, हमें 9 बजे सो जाना होता है, 9:30 ज़्यादा हुआ तो 9:30 बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं जागती हूँ। तो क्या होता है, आसपास में बहुत चहल पहल हो रही होती है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई तेज़ बाइकिंग कर रहा है, कोई हा हा ही ही कर रहा है, तो आपकी नींद जो है डिस्टर्ब होती है। लगती लगती नींद अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर दोबारा नींद लगने में बहुत वक्त लग जाता है, या फिर लगी लगाई एकदम सडनली नींद खुलती है चौके किसी रीज़न से, किसी हॉर्न से, किसी आवाज़ से, तो उसके बाद भी मेरी नींद दोबारा नहीं लगती और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और अगर रात में नींद पूरी ना होना तो अगला दिन बहुत कठिन बीतता है। मीन्स आपको बोला जाए कि अच्छा ठीक है, रात में तुम नहीं सोए तो जाके तुम सो लो, बट नींद नहीं आती है, मुझे तो नहीं ही आती है, मुझे फिर वापस अगले दिन रात में ही नींद चाहिए। मतलब मैं बीच में नहीं सो सकती हूँ, रिलैक्स होके नहीं सो सकती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं, सर भारी रहता है, देह भी अजीब सी लगती है, जैसे फीवर हो, टूटन हो रही होती है, माइंड रिलैक्स नहीं होता, हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तरह की ना बीमारी में काउंट होने लगा है, अनिद्रा जो होती है ना वो बीमारी में काउंट होने लगी है। और मेरे तो ये पता नहीं क्यों समहाउ वीकनेस है, मुझे बीच में जब इसकी प्रॉब्लम पिछली बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मुझे ईयरफोन वगैरह ला के दिए गए थे कि मैं उनको लगाऊँ और अच्छे से एक लाइट म्यूज़िक सुनूँ और उसको रिलैक्स होके मैं सोती रहूं, ताकि आसपास की नॉइज़ से मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो, बट वो उतना कारगर नहीं हुआ मुझसे। मुझे कान में कुछ चुभता रहे तो वैसे ही नींद नहीं आती, आपको एकदम रिलैक्स बॉडी को ढीला ढाला छोड़ के ही नींद आती है। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें की हैं, वो मैं आप लोगों के साथ आज ज़रूर से शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैंने वीडियो देखे और उन्होंने बताया कि उनको नींद की प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, या हेडेक हो रहा है, या किसी किसी को माइग्रेन तक उभर जा रहा है। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसके लिए खुद कुछ कर रही हूँ तो मैं सबके साथ इसे शेयर करूँ। बहुत चिटर पुटर चीज़ें हैं दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊँगी तो आप कहोगे कि हाँ ये सुना तो है मैंने,
हाँ ऐसा होता तो है। देखो चंपी वम्पी और रिलैक्सिंग म्यूजिक ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है, वो तो ऐसे भी हमें रिलैक्स करना चाहिए, अपने बालों में अच्छी चंपी करना चाहिए, थोड़ा सा मसाज कर लेनी चाहिए, तो वैसे भी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, माइंड को रिलैक्स मिलता है। बट अगर आपकी सडनली नींद टूट जाए अचानक से रात में आधी रात में, तो आप चंपी करने नहीं ना बैठोगे, वैसे आधी सी नींद है, ऊपर से उस टाइम पर मुझे तो गुस्सा आता घड़ी देख के कि हे भगवान अभी 2 बज रहा है, 4 बजे तो उठना ही है, 4:30 बजे तो उठ ही जाना है, अब 2 घंटे मेरा क्या होगा, मतलब मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं ये पूरा लिखित आपको दिखा रही हूँ, ओरल बोल के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रही होती हूँ देखो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, और ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका लाभ उठाइए। घर की घरेलू चीज़ें हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग ये सारी चीज़ें करते हैं, हम लोग अब इन्हें इग्नोर कर देते हैं, या कुछ ही चीज़ें याद हैं तो हम उसे उस टाइम पे भूल जाते हैं जब हमारे ऊपर ऐसी कोई विपत्ति पड़ी होती है, जब नींद वींद टूटती है तो हम भूल जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लिखित दिखा रही हूँ, इसे आप लोग गौर से देखिएगा, चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसे रख लीजिए, जब भी कभी आपके साथ ऐसा केस हो या आपके बच्चे के साथ हो तो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको देखिए कितना रिलैक्स मिलता है और कितना आराम मिलता है। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में मैंने बीपी को मेंशन किया है, इसे ज़रूर से गौर कीजिएगा। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो मिंट जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लेना है, पेपरमिंट पुदीना ये सब कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है अगर आप लो बीपी के मरीज हैं तो। अदरवाइज़ आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हेल्दी है, ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग यूज़ ज़रूर कीजिएगा। सो ये कुछ जो भी नॉलेज थी मैं हमेशा की तरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे ये मेरे काम आ रही है आप लोगों के भी काम आएगी। और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी 10% भी इससे आराम मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि देखो मुझे जो चीज़ सूट करती है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज उत्कर्ष की जिद है कि मम्मा आज इवनिंग में हमें ऊपर जाना है, गमले देखने हैं, सारे प्लांट्स देखने हैं, क्योंकि उत्कर्ष रोज देख रहे हैं कि मैं इनको स्कूल भेज के तुरंत फिर ऊपर जाती हूँ और आधा घंटे एक घंटे वहाँ पे आराम से प्लांट और पक्षियों के बीच में टाइम स्पेंड करती हूँ, तो ये बड़ा चिढ़ता है इसको बहुत मिर्ची लगती है कि मम्मा आप मुझे तो एकदम इग्नोर कर देती हो, संडे को आप देर तक सोती हो तो आप मुझे नहीं लेके जाती हो, तो मैं तो मिस कर देता हूँ। तो आज शाम को जैसे ही सूरज भगवान जी टाटा बाय बाय करेंगे हम ऊपर जाएंगे और आज का व्लॉग हम ऐसे ही एंड करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ऑफिशियली आप लोगों से विदाई ले रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा, बहुत ताकत मिलती है दोस्तों, बहुत ताकत, बॉर्नविटा से भी ज़्यादा ताकत मिलती है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, आप लोगों का आशीर्वाद पा के। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो कितनी बहुत ही ब्यूटीफुल सी बर्ड आई है, इधर आओ इधर उधर, यहीं से देखो आप पास जाओगे ना तो अरे तुम कैमरे में क्यों देख रहे हो, कैमरा उतनी छोटी बर्ड, हाँ, बर्ड को कैप्चर नहीं करेगा कैमरा। अरे तोता है क्या जो ग्रीन है? चीको अभी तुम इतने बड़े हो गए तुम्हें तोता मैना में अंतर नहीं मालूम है? मैं नहीं। अरे नहीं बेटा कोई बर्ड होगी, अब इतने ही तो मम्मी को नहीं मालूम है। बी हमिंग बर्ड लग रही है, बी हमिंग बर्ड नहीं, बी हमिंग बर्ड इससे भी छोटी होती है। अब वो क्या होती है नहीं मालूम, ये ले लिया कैमरे में कैप्चर कर लिया, देखो दिख रही है? हाँ। अरे 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 उड़ गई, हाँ ओ वाओ क्या प्यारी सी आवाज़ तुम कर रहे हो बक हवा का नामो निशान नहीं है क्या? हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा है सनसेट, तो इसने बहुत अच्छा कैप्चर किया, किसी दिन ना इस वाले कैमरे से सनराइज भी कैप्चर करेंगे। ओह ये कौन आया देखो इधर झंडे के ऊपर,
चले हम बेटा? अरे चलो। तो दोस्तों, उत्कर्ष की इसी मस्ती के साथ हम लोगों ने जो है आज के दिन को खूब इंजॉय किया। ऊपर जाके रियली में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं हमेशा सुबह के टाइम में जाती हूँ, शाम को मुझे मौका नहीं मिलता है, बट आज मुझे मिल गया समय और उत्कर्ष की ज़िद के कारण मैंने सनसेट भी देख लिया। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मेरा कैमरा उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश तो की थी बार बार जूम करके उसे अच्छे से कैप्चर करने की। पूरा सूरज भगवान जी हमें टाटा बाय बाय करके नीचे गए हैं, तब हम लोग फिर नीचे आए हैं और अब मैं विदा ले रही हूँ फाइनली। आप लोग भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और ऊपर प्लेन जा रहा था, मैंने उसे भी कैप्चर कर लिया। अब मैं तो ऊपर जाती हूँ तो फिर बस चींटियाँ रह जाती हैं मेरी नज़रों से, बाकी तो मैं सभी को कैप्चर कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये सारे मोमेंट्स मैं हमेशा सहेज के रखना चाहती हूँ। जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो खुद के व्लॉग्स देखूंगी, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।